जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। बाबा को जहर दिया गया है, सारा शक हम पे आएगा। मैं खून नहीं दूंगा, वो भी गणपत राव जैसे इंसान को। दरअसल मिस्टर भोसले के पास से जो सामान मिला है उनमें कुछ अजीब सी चीजें मिली, हमें उनके पास से ग्लव्स मिला। मतलब जहर उन ग्लव्स में था जो तुमने गणपत राव को दिए थे? इतना ही भरोसा है तुम्हें अपने और अपने रिश्ते पर? छी श्रेष्ठ, अब भी मुझे ही ब्लेम कर रही ना मासी। कांट बिलीव इट। आई कंप्लीटली बिलीव तुमने इसे पूर्वी और आर्या की दोस्ती से लिंक किया हो। बोलो नहीं किया? समझ नहीं आता कि हर बार बात घुमा फिराकर आर्या और पूर्वी की दोस्ती पे क्यों आ जाती। यू नो श्रेष्ठ, यू नीड टू ग्रो अप। आपको तो हमेशा से वही सही लगते हैं ना? हाँ, क्योंकि वो सही है। अगर तुम देख नहीं पाते हो ना तो इट इज योर बैड लक श्रेष्ठ। उसके पिता ने उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसको मरने के लिए छोड़ दिया। और आज जब वो तकलीफ में है तो वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। तुम जानते हो इसके लिए कितनी करेज और गट्स की जरूरत होती है? एंड यू नो श्रेष्ठ, उसे सपोर्ट करने के बजाय, उसके साथ खड़े होने के बजाय तुम उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ाने में लगे हो, उस पर शक करते हो उसकी दोस्ती और उसके रिश्ते पर। सही कहा था पूर्वी ने कि हर रिश्ते की एक अपनी लिमिट होती है, टॉलरेंस की एक लिमिट होती है हर रिश्ते में, और तुम अपनी इनसिक्योरिटी के कारण अपनी लिमिट भूलते जा रहे हो। अगर वो तुमसे अलग हो गई ना तो तुम इसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर पाओगे, खुद अपने को ब्लेम करना। काश तुम्हें मैंने अच्छी परवरिश दी होती तो इतनी छोटी छोटी बातों पे तुम उस पर शक नहीं करते, उसे समझ पाते। अब इसमें परवरिश की बात कहां से आ गई मासी? परवरिश की ही बात तो है श्रेष्ठ, वरना जिसकी रगों में गणपत राव भोसले जैसे इंसान का खून दौड़ रहा हो उसके सारे संस्कार, सारे थॉट, सारे आइडिया अपने माँ पे गए। उसकी माँ को उस पर कितना गर्व हो रहा होगा इस वक्त। काश हम भी तुम पर गर्व कर पाते। फोन नहीं आया पूर्वी का अभी तक, पता नहीं उनकी तबीयत कैसी होगी अभी। एक बार फोन लगाओ ना पूर्वी को। आप 3 बार फोन लगवा चुकी हैं, उसका फोन नॉट रीचेबल जा रहा है। आखिरी बार जब बात हुई थी तो डॉक्टर ने कहा था उनकी हालत काफी नाजुक है, ये भगवान उन्हें होश आ जाए बस। मेरी समझ में नहीं आता आप चाहती क्या है। एक तो आप ऐसे इंसान के साथ सारी जिंदगी रही, उनसे डरती हैं, उनसे नफरत करती हैं, फिर आप उन्हें मरने भी नहीं देना चाहती, उनके लिए दुआ करती रहती हैं वो ठीक हो जाए। मुझे समझ में नहीं आता आपका। ऐसा ही होता है बेटा, ऐसा ही होता है पति पत्नी का रिश्ता। कितनी भी तकलीफ दी हो उन्होंने मुझे, कितनी भी नफरत करती हूं मैं उनसे, लेकिन उन्हें मरते हुए भी नहीं देख सकती। सुहाग है वो मेरे, और हमारी पीढ़ी में सुहागन जीते जी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती, चाहे फिर पति साथ दे या ना दे। समझ सकती हूँ मैं, आप में ये फीलिंग्स हो सकती हैं अपने सुहाग के लिए, क्योंकि ये जैसे भी थे, अच्छे बुरे, बाबा हमेशा आपके साथ रहे हैं, हर वक्त उन्होंने आपका साथ दिया है, इस तरह आपको बिना बताए छोड़ के नहीं चले गए। छोड़ के नहीं गए, हर पल साथ रहे, और साथ रहकर जितनी भी तकलीफ दे सकते थे, जितना भी दर्द दे सकते थे दिया उन्होंने, लेकिन मैं मजबूर हूँ अपने संस्कारों से। चाहे ये बोलती रही कि वो मर ही जाते तो अच्छा था, लेकिन उन्हें कुछ हो जाए इस बात से डरती भी हूँ।
अपनी एक दिन की बच्ची से दूर होना, ऐसे इंसान के साथ इस घर में रहना, एक इकलौता बेटा है आपका, वो भी घर छोड़ के चला गया, जिंदगी भर इतने दुख सहती हुई आई हैं आप, अब और नहीं, इससे ज्यादा क्या दुख मिलेंगे आपको? अब सब ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में, अब आप सब चीजें भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अब मैं कह रही हूं ना, अब और दुख नहीं, अब आपकी लाइफ में खुशियों की बारी है, दुख नहीं। Have some water. अगर दिमाग ठंडा रहेगा ना तो thoughts भी अच्छे आएंगे। अगर पानी पीने से दिमाग ठंडा रहता ना तो 5 लीटर का कैन ला के दे दूं, इससे कुछ नहीं होगा। वाकई दिमाग में बहुत थॉट्स चल रहे हैं। एनीवे, गणपत राव भोसले के बारे में कोई अपडेट? हाँ, आईसीयू में अभी अंडर ऑब्जर्वेशन। वो तो पता ही है, बट कुछ और? पूर्वी, उनका चेकअप कंप्लीट हो गया एंड डॉक्टर ने भी कहा है कि उनकी बॉडी काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है ट्रीटमेंट के बाद, तो होप कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके, डॉक्टर ने कुछ कहा कि वो होश में कब आएंगे? और डॉक्टर ने तो कहा कि शायद कल तक होश में आ सकते हैं एंड उसके बाद वो उनको नॉर्मल वार्ड में भी शिफ्ट कर देंगे, तो तुम चाहो तो उनसे मिल सकती हो। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि उनको फैमिली मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए फॉर डिस्चार्ज, यू नो। अंशुल, तुम पेपर वर्क कंप्लीट करो, साइन मैं कर दूंगी। पूर्वी, तुम साइन करोगी? क्योंकि जो भी है हूँ तो मैं फैमिली है ना। ओके, नो इश्यूज, मैं फाइल लेके आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, पूर्वी श्रेष्ठ शैगिर बोल रही हूँ, गणपत राव भोसले के खिलाफ घरेलू हिंसा के लिए कुछ प्रूफ है मेरे पास। आप अपनी टीम रेडी रखिए, एक बार उनको होश आ जाएगा तो आई एम श्योर यू कैन अरेस्ट। पूर्वी, तुम यहां साइन कर दो। मैं ये दे देता हूं, और तुम मिलोगी उनसे? वो ठीक हो गए उतना काफी है मेरे लिए। आई एम ग्रेटफुल टू यू। अगर तुम ब्लड डोनेट नहीं करते तो पता नहीं, मैं अम्बिका जी से मिलने जा रही हूँ, तो तुम प्लीज मुझे अपडेट्स देते रहना। श्योर, मैं काम करता हूँ, ये पेपर्स वापस दे देता हूँ। एक सेकंड, ऐसा क्या किया पूर्वी ने? क्या किया उसने? प्रेस मीडिया सबको बुलाया हुआ है उसने, ठीक है, सबको बुलाया उसने। अब रेडी हो जाना,
फेस करने के लिए सारी चीजें, और क्या। पूर्वी भी ना कभी कभार ऐसा फैसले कर लेती है ना, और फिर जब उसको इंपल्सिव बोलो तो उसको बुरा लगता है। पर कम से कम थोड़ा वेट कर लेती उसके ठीक होने का, घर आने का। इतनी क्या जल्दी थी मीडिया बुलाने की? गॉड पूर्वी, आई कांट बिलीव ना। कोई बात नहीं, बिलीव नहीं हो रहा ना तुम्हें, नो इशू, मत बिलीव करो। राइट, जो प्रेस और मीडिया घर पे आएगी तब तो बिलीव होगा ना। बीमार गणपत राव को जब पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी तब तो बिलीव होगा ना। निधि, हर चीज का करने का एक तरीका होता है यार, दिस इज कम्प्लीटली हार्टलेस। वैसे एक बात बोलूं आर्या, वो जो कर रही है ना ठीक कर रही है। शी इज बीइंग हार्टलेस विद हार्टलेस पर्सन। ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। अब मुझे लगता है कि ये ठीक कर रही है। एक मिनट निधि, प्लीज मेरी बात सुनो ध्यान से। नो वंडर के गणपत राव का जिंदा बचना तुम्हें खल रहा होगा, कि वो तुम्हारे और अंशुल के बीच में आ रहा है। ठीक है, बाकी तो दिन रात तुम ही उसकी सेवा कर रही थी ना। और निधि, अंशुल भी अपनी जिम्मेदारियों से भागा नहीं, ब्लड डोनेट किया गणपत राव को, पर ना कहां जिंदा बचने वाला था वो बात अलग है कि अगर वो जिंदा बच गया तो तुम्हारे अंशुल की लव स्टोरी पे फुल स्टॉप लगा देगा। खैर एनीवेज, ये सब बातें बोलकर तुम्हें परेशान करने के लिए फोन नहीं किया, बल्कि तुम्हें मेंटली प्रिपेयर करने के लिए फोन किया। अच्छा सुनो, अंबिका जी को बोल देना मीडिया आने वाली है, बहुत ड्रामा होने वाला है, जस्ट बी रेडी। उनकी शादी, पॉइजन, रिकवरी, पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी, हर सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है, ओके बाय। निधि, आई विल मेक श्योर कि मीडिया तुम्हें इतने सवाल करे कि तुम्हारे पास जवाब देने के लिए एक भी शब्द ना हो। बस देखती जाओ कैसे गणपत राव विक्टिम और तुम लोग कल्प्रिट साबित हो जाओ। तुम तो जानती हो ना मीडिया को, मीडिया ने जिसे एक बार क्रिमिनल मान लिया मतलब मान लिया। अब मैं भी देखता हूं मिसेस पूर्वी श्रेष्ठ शेरगिल, तुम अपने इस परिवार को सारी मुसीबतों से बाहर कैसे निकालती हो। लेट मी सी, आई लाइक दिस गेम। श्रेष्ठ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। मम्मी जी, मैं जानती हूँ आपको उनकी जान की चिंता थी, अपने सुहाग की चिंता थी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब वो ठीक हो जाएंगे। और एक अच्छी बात यह है कि अब उनके ठीक होने के बाद हमें उन्हें झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वो जेल चले जाएंगे। उनकी पहुंच बहुत दूर तक है, इतना आसान नहीं है उन्हें जेल भिजवाना। जानती हूँ आसान तो नहीं है, मुश्किल है, लेकिन पूर्वी का शौक है ना हर मुश्किल काम को हाथ में लेना और उसे आसान बना देना। आर्या का कॉल आया था, सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा और फिर पुलिस उन्हें हॉस्पिटल से ले जाएगी। शुक्र है ऑपरेशन ठीक हो गया। चलो फिर, चलो जल्दी, हम लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मम्मी जी, लेकिन लेकिन क्या निधि, चलो जल्दी, हम लोग वहां नहीं रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ओह माय गॉड, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी के बारे में सोचना बंद करो। लेकिन पति है वो मेरे। नहीं, वो कुछ नहीं है, वो इस वक्त सिर्फ एक क्रिमिनल है। उन पे अगर किसी का हक है ना मुझसे और आपसे ज्यादा, तो कानून का है, और वो इस घर में रहना डिजर्व नहीं करते, वो जेल जाना डिजर्व करते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि ऐसा हो। लेकिन कैसे, फोन तो आया था कि उनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते हैं निधि के गले के निशानों से। ऑब्वियसली कैसे मैच करते, क्योंकि उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे, एकदम थिन ग्लव्स जिसमें पॉइजन था, इसलिए उनकी ये हालत है। क्या ग्लव्स, वो भी जहर लगे हुए, अजीब बात है नहीं, जैसे कोई एक तीर से दो निशाने लगा रहा हो। कोई यही कर रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा कौन है, कोई अपना इंसान है। बट एनीवे, इस वक्त ना ये प्रूफ काफी है उन्हें जेल भेजने के लिए, अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ, पर उनकी तबीयत कैसे ठीक हुई, कुछ देर पहले तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था।
यही कहा था डॉक्टर ने, पर आपको यकीन नहीं होगा कि किसने मदद की। अंशुल ने ब्लड डोनेट किया था, इसलिए वो बच पाया, उनकी सर्जरी हुई है। कल सुबह तक उनको होश आ जाएगा। और आपको हॉस्पिटल आने से मैंने मना इसलिए किया था क्योंकि मैं आपकी एक अच्छी इमेज चाहती थी। वहां पे गणपत राव भोसले की एक बुरी इमेज बन रही थी अंडर डोमेस्टिक वायलेंस, तो अगर आप यहाँ पे रहती अपनी बहू के साथ तो ये आपके लिए बहुत अच्छी इमेज होती कि आपने सच्चाई के लिए अपने पति से ज्यादा अपनी बहू को सपोर्ट किया। पर उनके अगेंस्ट जाना यानी कि ये प्रूफ करता है कि आप कितना जेन्युइनली नारी अपमान के खिलाफ हैं। जब आपको अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए था, आप घर बैठी अपनी बहू को सपोर्ट करने के लिए। आप जानती हैं ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है पूरे देश के लिए। और आपको बस यही सब कुछ बोलना है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बस प्रिपेयर हो जाइए, एंड आई एम श्योर कि आप ये कर सकती हैं। आप पूरी दुनिया को, कैमरास को फेस कर सकती हैं। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, ओके? बी स्ट्रॉन्ग एंड देयर। पता नहीं अंशुल का शुक्रिया अदा करूं या उससे नाराज हो इनकी जान बचाने के लिए। मासी, मासी मैं फोन करूं उसे? सूट योरसेल्फ, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी मर्जी। श्रेष्ठ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखा, इसे कहते हैं मैच्योरिटी। गॉड ब्लेस यू बच्चा। बोलो। याने, रूम में। आफ्टर यू। श्रेष्ठ, आप तो उसके मेंटर, उसके गुरु, उसके बॉस हो ना। सब कुछ सिखाया आपने उसको, पर आप उसकी गेम नहीं समझ पाए। उसकी गेम समझना तो दूर, आप उसके मोहरा बन के रह गए। मैं एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उसकी गेम नहीं समझ पाई और वो इतनी आसानी से हम दोनों के बीच में आ गया। क्या बात करनी है पूर्वी? Is it again about you, me, Aryo? I mean. No, it isn't. आपको कुछ नहीं पता। पता मुझे सीरियसली लगता था कि मेरी शादी ना किसी मच्योर सेंसिबल इंसान से हुई है, पर आप एक 19 साल के लड़के की तरह हो, टीनेजर की तरह इतनी इनसिक्योरिटीज के साथ जी रहे हो ना कि कोई हद नहीं। Really, पूर्वी? I mean, तुम अपना वक्त उसके साथ बिताओ, अपना सुख दुख उसके साथ बांटो, उसके लिए मुझसे लड़ो, और मैं इम्मेच्योर। ग्रेट। हाँ श्रेष्ठ, मैंने वो सब किया। पता है क्यों? जब मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी ना, तब अपने गिल्ट में, अपनी इनसिक्योरिटीज के साथ जी रहे थे, अपनी दुनिया में थे। जब हम दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए था, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए था, आई डोंट नो वेयर वर यू, मुझे अवॉइड ही करते जा रहे थे। और इतना अवॉइड किया, इतने दूर हो गए कि आर्य को अपना टाइम, अपनी स्पेस मिल गए। श्रेष्ठ, आप तो उसके मेंटर, उसके गुरु, उसके बॉस हो ना। सब कुछ सिखाया आपने उसको, पर आप उसकी गेम नहीं समझ पाए। उसकी गेम समझना तो दूर, आप उसके मोहरा बन के रह गए। मैं एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उसकी गेम नहीं समझ पाई और वो इतनी आसानी से हम दोनों के बीच में आ गया। श्रेष्ठ, हम दोनों ने अपना बच्चा खोया था,
आपको कैसे रियलाइज नहीं हुआ कि अगर मुझे उस वक्त कुछ चाहिए था तो सिर्फ आपका सपोर्ट और कुछ नहीं। और यही बात आर्या समझ गया। एज अ बेस्ट फ्रेंड उसको पता था कि मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, अ क्राइंग शोल्डर। इसलिए वो हमेशा मेरे साथ रहा, हमेशा वहां रहा। उसने अपना काम किया और आप ब्रेन वॉश होते रहे हमेशा की तरह गीतिका से। गीतिका का इस बात से कोई लेना देना नहीं है पूर्वी। प्लीज उनकी साइड लेना बंद करो फॉर गॉड सेक। मैं खुद उनकी बातें कितनी बार सुन चुकी हूं। आपका एज फैक्टर यूज करते हुए कितनी बार आपका ब्रेन वॉश कर चुकी हैं। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, जब डॉक्टर ने न्यूज कंफर्म की थी, आप कितने खुश थे। फिर किसने आपको ब्रेन वॉश किया था? किसकी वजह से सडनली आपने डिसीजन लिया कि आपको ये बच्चा अबॉर्ट कर देना चाहिए, नहीं चाहिए आपको ये बच्चा। मुझे घर छोड़ के जाना पड़ा तब आपको पता चला कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है आपके लाइफ में। और अब ये सब करके आपने उसको ये मौका दिया। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैंने उसे मौका दिया? श्रेष्ठ, अगर इस वक्त आप मेरे साथ होते ना, हमारे बीच में इतनी दूरियां नहीं होती ना, तो सब कुछ ठीक होता। आर्या को पता था कि सब कुछ कैसा होगा, मैं कैसी रिएक्ट करूंगी, आप कैसी रिएक्ट करोगे। उसने आपको रेजिग्नेशन लेटर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप मुझसे दूर होते गए। उसको टाइम मिला मेरे साथ स्पेंड करने के लिए। उसे पता था कि मैं वीक हूं, मुझे किसी का सहारा चाहिए। तो बस इतना इजीली हम दोनों के बीच में आ गए। श्रेष्ठ, मैं क्या हूं? आपकी वाइफ, आपकी सोलमेट, या कोई ट्रॉफी जो आपने उससे जीती है जिसे वो फिर से छीनना चाहता है? क्या हूं मैं? रूही, तुम मेरी लाइफ हो और मुझे बार बार तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। लेकिन जब भी मैं तुम्हें उसके साथ देखता हूं ना, पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाता मैं अपने डिस्कम्फर्ट को, अपने गुस्से को तुम्हारे आगे जाहिर नहीं करना चाहता, इसलिए हमेशा वहां से चला गया मैं। ग्रेट। और मैं, मेरे बारे में कभी नहीं सोचा ना कि मुझे क्या चाहिए, मैं कितनी अकेली पड़ जाऊंगी। पूर्वी, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा है। लेकिन जब भी तुम्हारे पास आने की सोचता, बस पता नहीं डर जाता था मैं। किस बात का डर श्रेष्ठ? आके मुझसे ये कहने का कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, आके ये कहने का कि आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, आपको कभी ये डर नहीं लगा कि अगर आप मेरे पास नहीं आओगे तो शायद हमेशा के लिए खो दो मुझे? हमेशा इसी डर में जिया हूं पूर्वी कि मैं तुम्हें कहीं खोना दू। अपनी गिल्ट के कारण मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाया तुम्हारे पास आने की। किस बात का गिल्ट श्रेष्ठ? मुझसे ज्यादा आप प्यार करते थे उमा से। ये गिल्ट हमारा है, ये पेन हमारा है, इस पे और किसी का हक नहीं है। कितना कन्वीनियंटली वो दोनों हमारे बीच में आ गए। दोनों? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आर्य को कौन सपोर्ट कर रहा था। कौन? हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो दोनों सबके सामने सच को कन्फेस करें। शेष, इट्स नॉट पॉसिबल। कैसे करेंगे? एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो। सच नहीं, कन्फेस करना ही होगा।